हेलो गाइस, तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। गाइस मैं आ गया हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सुमित के जो जार आते हैं, सुमित मिक्सी के जार आते हैं, ओपन मिक्सी के जार आते हैं, उनकी घर पर कपड़ा खराब होने पर जो टूल्स आता है फिरकी को बदलने के लिए, उस टूल्स की सहायता से हम उसकी फिरकी को कैसे बदल सकते हैं, वो भी 2 मिनट में। तो गाइज मैं प्रवीण वर्मा। गाइज आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि आज हम बात करेंगे ओपन या स्मिथ मिक्सी के जार की फिरकी को हम घर पर कैसे बदल सकते हैं। तो गाइज क्या करेंगे कि हमें ओपन या स्मिथ मिक्सी की जार की फिरकी को बदलने के लिए हमें इस जो अंदर इसके ब्लेड आती है उसको पकड़ेंगे, तभी हम उस नीचे की फिरकी को चेंज कर सकते हैं। क्या होता है कि हम ब्लेड को इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि इससे स्पैंडल जुड़ी रहती है जब तक, और जो स्पैंडल होती है उस पर ये वाली फिरकी टाइट रहती है। तो हम क्या करेंगे, जब ब्लेड को पकड़ते हैं तो स्पैंडल नहीं घूमती है, जिसके कारण ये फिरकी को हम घुमा के खोल लेते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें ब्लेड को पकड़ना पड़ेगा सबसे पहले। फिर क्या होगा कि जब तक हम इस फिरकी को नहीं बदलेंगे ये जार हमारे कोई भी काम का नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जो ये देख सकते हैं कि आप जो इसके नीचे जो ओपन या स्मिथ मिक्सी का जार है, इसके नीचे जो फिरकी लगी है उसमें एक दाता टूटा हुआ है, इसलिए ये जार हमारे कोई भी काम का नहीं है। तो सबसे पहले हम इस ब्लेड को पकड़ लेते हैं। आप क्या करें, इस ब्लेड को कपड़े की सहायता से पकड़ लें जिसके कारण आपका हाथ कटने का डर ना हो इसके लिए, क्योंकि इसमें धार आती है। तो आप इसको कपड़े की सहायता से पकड़ लें, मैं पहले बता देता हूँ आपको। तो गाइज क्या करेंगे, आप इस ब्लेड को, मैं तो हाथ से पकड़ लूँगा, तो आपको क्या करना है, इसको हाथ से पकड़ लेना है। फिर क्या करना है, ये टूल्स आता है मार्केट में, ये टूल्स जो जार की फिरकी को बदलने के लिए ये टूल्स मार्केट में मिलता है, 35 से 40 रुपये का आता है। तो आप इसको ले आएँ, इसकी सहायता से आप आसान तरीके से, गाइज ये जो टूल्स आता है जार की फिरकी को बदलने के लिए, उसे हमें इस तरीके से इस फिरकी में लगा लेना है। और फिर इसको हमें किस तरफ खोलना है, क्लॉकवाइज खोलना है, और ये ब्लेड है वो घूमने की कोशिश करेगी, तो आप इसको थोड़ा हाथ से टाइट पकड़ें। और इसीलिए बता रहा हूँ कि आप कपड़े से पकड़े तो अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं आप, तो वो थोड़ी सी टाइट हो सकती है, देख सकते हैं कि एक थोड़ी सी टाइट थी और ये थोड़ा सा जोर लगाने पर खुल चुकी है। गाइस देख सकते हैं क्लॉकवाइज ये खुल गई है, एक बार थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, एक बार जोर लगा के आप खोल, एक बार थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, एक बार जोर लगा के आप इसे खोल लेते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती है। आप नई फिरकी मार्केट से ले आएँ, 10 रुपये में आती है। यदि आप किसी इलेक्ट्रीशियन के पास ये फिरकी चेंज करवा के लेके आते हैं तो आपके आपको वो 20 रुपये में इस चेंज करके देगा। तो आप घर पर इसे बदलेंगे तो आप अपने 10 रुपये बचा सकते हैं। तो गाइज क्या करेंगे कि ये जो अभी ये इस फिरके को टाइट किस तरफ करना है, हमको एंटी क्लॉक वाइज टाइट करना है इसको। तो गाइज देख सकते हैं इसको एंटी क्लॉक वाइज हम टाइट करेंगे, और ये देख सकते हैं गाइज टाइट हो गई है। अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा आप इसको और ज़्यादा टाइट करना चाहें तो क्या करेंगे, इस तरीके से इसमें ये जो हमने टूल्स लिया है इसको इस तरीके से इसमें लगा लेंगे, और फिर इसको इस तरफ क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज इसको टाइट करेंगे। अब देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से टाइट हो चुकी है। गाइज इस तरीके से हम जो ओपन या स्मिथ मिक्सी की जार की फिरकी को बदल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ।